देखिए, जैसे आप सब जानते हैं कि हर साल की तरह जो एक पुलिस पार्टियर्स क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, जिसपे कठुआ पुलिस, जेएनके पुलिस इनफैक्ट और शहीद मेमोरियल कमेटी, ये मिलके दोनों ये टूर्नामेंट करवाते हैं। और इस साल ये 12वां एडिशन था टूर्नामेंट का, जिसपे कि सारे लीग मैचेस, क्वार्टर फाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल्स हो गए हैं और अब फाइनल बचा है, जिसकी जो डेट आ गई है वो 16 जनवरी है, जिसपे विक्की आकाश 11 पठानकोट और सानेवल वर्मा 11 लुधियाना की टीम है, दोनों के बीच फाइनल खेला जाएगा कल ही और 12 बजे स्टार्ट होगा। मुख्य अतिथि हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री आर आर सरेन IPS वो मुख्य अतिथि हैं, और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे ADGP जम्मू जोन श्री अनंत जैन IPS। साल ये टूर्नामेंट होता है और जितने भी प्लेयर्स आए थे इस साल, चाहे रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स थे, कुछ ने IPL खेला हुआ था और कुछ उभरते हुए सितारे थे जो कि यहाँ पे उन्होंने खेला और फिर बाद में पता चला कि वो रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन भी हो गए, क्योंकि रणजी ट्रॉफी के जो लीग मैचेस है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो उनका यही कहना था कि ये नॉर्थ जोन में एक मेजर टूर्नामेंट है और ये प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स का उनका, जो कि जिनकी जो जिनकी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो आगे भी देखी जाती है, और कठुआ वासियों के लिए भी ये एक सुनहरा मौका है कि यहाँ पे आएँ। अब जो भी ये अच्छे खिलाड़ी जो है, कोई रणजी ट्रॉफी खेला है, कोई IPL में भाग लिया हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस देखें और उससे जो भी मोटिवेशन है वो मिले। और मैं कठुआ वासियों के लिए स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि कल हमने स्टेडियम में ही उनके लंच का भी इंतज़ाम रखा हुआ है, वो ज़्यादा मात्रा में आएँ और भोजन भी यहाँ पे करें हम सबके साथ स्टेडियम में ही, और मैच का आनंद लें। और जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ही जो स्पेक्टेटर्स होंगे तो जो प्लेयर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है। तो ठंड जो है, जब आप मैदान में आएंगे ठंड पर तभी विजय पाई जाएगी। तो घरों से बाहर निकले यंगस्टर्स, वो देखे परफॉर्मेंसेस। इस साल हमने नया टर्फ बिछाया हुआ है, उस पर जो स्कोरिंग पिच रही है ये, और 140 प्लस एक इंडिविजुअल स्कोर भी है बना है इस पर, और 200 प्लस दो तीन बार इस बार क्रॉस हुआ है। तो आके देखे, अपने आप कंपेयर कीजिए और जो भी आपको लगता है आपकी जो भी खामी है उनको इम्प्रूव कीजिए। जहाँ पे आके टूर्नामेंट ही शहीदों के नाम पे है, और जो शहीद हमारे हैं वो ये इसका एक अभिन्न अंग है, और हर साल की तरह इस साल भी वो आते हैं और यहाँ मैच देखते हैं। उसके बाद हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पे एक अलग से फंक्शन होता है, जहाँ पे हम उनके जो भी उनके किसी के हस्बैंड है, किसी के फादर है, किसी के बच्चे हैं, तो उन सब परिवारों को वहाँ हम सम्मानित करते हैं।